आज हम बात करेंगे फीमेल्स में होने वाले यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में, मतलब महिलाओं में होने वाले यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में, क्योंकि महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पुरुषों के मुकाबले 8 गुना ज्यादा होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हमारे किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा, यानी इस यूरिनरी सिस्टम के इन्फेक्शन को हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। यह इन्फेक्शन इकोलाई नामक बैक्टीरिया से होता है मोस्ट कॉमनली। उसके अलावा दूसरे बैक्टीरिया के थ्रू भी हो सकता है, वायरस के थ्रू भी हो सकता है और फंगस के थ्रू भी हो सकता है। आज हम विशेषकर बात करेंगे महिलाओं में होने वाले यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में, उसके कारणों के बारे में और उससे कैसे बच सकते हैं। महिलाओं में यह इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली होता है उनकी शारीरिक बनावट के लिए, क्योंकि महिलाओं का जो शारीरिक बनावट होता है, जो यूरेथ्रा होता है, वो वेजाइना और एनस जो मलद्वार होता है उसके पास में होता है। यूरेथ्रा की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर होती है एज कंपेयर टू पुरुषों के। इसके अलावा महिलाओं में कुछ समय ऐसा भी आता है जब उनकी इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे और महामारी बंद होने के बाद, मतलब पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में ये इन्फेक्शन पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है पेशाब में जलन होना, पेशाब में दर्द होना, पेशाब करते समय दर्द होना, पेशाब करने के बाद में दर्द होना। इसके अलावा पेशाब बार बार जाना होता है और बहुत जल्दी जल्दी जाना पड़ता है, कि बहुत अर्जेंसी रहता है, लेकिन जब पेशाब करने बैठते हैं तो थोड़ा सा पेशाब होके बंद हो जाता है, इसलिए बार बार में पेशाब जाना पड़ता है। इससे पेशेंट्स इरिटेट हो जाते हैं। इसके अलावा आपके लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है, आपके बैक में पेन हो सकता है, आपका यूरिन थोड़ा घुला हुआ या क्लाउडी हो सकता है, पेशाब में ब्लड आने की वजह से पेशाब का कलर चेंज हो सकता है, जैसे कि पिंक हो सकता है, कोका कलर हो सकता है या रेड कलर का हो सकता है। इसके अलावा जब इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच जाता है तो उसे हम किडनी इन्फेक्शन या पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। उसमें एक खास किस्म का फीवर होता है जो चिल्स और राइगर, मतलब कांपनी देख का फीवर होता है। अगर ऐसा है तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करें। यूजुअली डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक देते हैं, उससे आपका ये इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, परंतु महिलाओं में ये इन्फेक्शन रिकरेंट होता है, क्योंकि एक तो उनकी शरीर की बनावट ऐसी होती है, दूसरी बात कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके पेशाब में कुछ रुकावट होता है, जैसे स्टोन की वजह से हो या डायबिटीज भी होती है, तो उनमें इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो रिकरेंट इन्फेक्शन जो होता है वो 6 महीने में 2 बार से ज्यादा या 1 साल में 4 बार से ज्यादा होता है, तो उसे हमें रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। इनिशियल ट्रीटमेंट तो लेके आप एंटीबायोटिक से ठीक हो जाते हैं, परंतु ये रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से होने से पेशेंट की शारीरिक अवस्था खराब हो जाती है, वो एनीमिक हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ये रिकरेंट इन्फेक्शन से महिलाएं कैसे बच सकती है। सबसे प्रथम आपको बताते हैं, सबसे पहला आपको करना है, जब आपको यूरिन लगता है तो आप यूरिन पास करने जाएं, उसमें कुछ जल्दीबाजी या हड़बड़ी ना करें और कंप्लीट यूरिन होने के बाद ही बाथरूम से बाहर आए। आपको यूरिन 4 घंटे के अंदर कम से कम एक बार करना होगा, क्योंकि जो इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो 4 घंटे में वो इतने ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं कि वो यूरिनरी इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको 4 घंटे में कम से कम एक बार यूरिन पास करना चाहिए। आप अपने जो जेनिटल पार्ट्स, जो प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करते हैं, वो आगे से पीछे की तरफ करें, मतलब फ्रंट टू बैक की तरफ करें। अगर आप बैक से फ्रंट की तरफ करेंगे तो आपके मलद्वार या एनस की जो बैक्टीरिया है, जो इकोलाई द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जो वहां रहता है, वो आपकी यूरेथ्रा तक पहुंच जाता है। उसके अलावा आपको प्लेंटी ऑफ वाटर लेना पड़ेगा। आपको पानी की क्वांटिटी 8 से 12 ग्लास पर डे रखनी पड़ेगी, ताकि आपका यूरिन का कलर क्लियर हो, जिससे कि जो बैक्टीरिया आपकी यूरेथ्रा में एंटर किए हैं वो फ्लश आउट हो जाए। उसके अलावा अगर आप कुछ परफ्यूम या कुछ स्प्रे वगैरह जेनिटल पार्ट्स में, जो प्राइवेट पार्ट्स में यूज करते हैं, उसका यूज ना करें। अगर आप डायफ्राम या स्पर्मिसाइडल एजेंट्स आप यूज करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए, तो उसको आप अवॉइड करें। जब आप इंटर रिलेशनशिप करें या सेक्स करें, तो उसके पहले अपने जेनिटल पार्ट्स को क्लियर करें और सेक्स करने के पहले और बाद में यूरिन पास करें। उसके अलावा आपको टाइट अंडरवियर्स ना पहने, कॉटन अंडरवियर्स पहने, उससे आपके जो प्राइवेट पार्ट्स में कोई मॉइस्चर नहीं जमेगा और इन्फेक्शन का चांस कम होगा। इसके अलावा आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, अपने आप कुछ फ्रूट्स आप रेगुलरली सेवन करें, जैसे कि नींबू, ऑरेंज और मौसमी। इसके करने से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांस कम होते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं इसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।